फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन को ग्लो करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आपको अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फेसियल कराने की जरूरत नहीं है। इवन तक जो हम नेचुरल होम रेमेडीज यूज करते हैं अपनी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, वो भी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या करना है कि हमें कुछ लगाना भी नहीं है और फिर भी स्किन ग्लो होगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रिंक लेके आई हूँ जिसको पीने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। आपकी स्किन चाहे किसी भी टाइप की हो, सांवली हो, गोरी हो, आप जब इस ड्रिंक का यूज करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करने लगेगी। सिर्फ स्किन ही ग्लो नहीं करेगी, इवन तक आपकी हड्डियां भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, आप अंदर से एक स्ट्रांग वुमेन बन पाओगी। साथ ही ये आपके कई रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगी, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगी। तो ऐसा कौन सा ड्रिंक है, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए पहले देख लेते हैं कि कौन सा ड्रिंक हमें बनाना है। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पैन, और इसमें हम एक गिलास दूध डालेंगे। दूध की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दूध पीना अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हो। तो आधा गिलास ही मैंने, ये बड़े वाला गिलास है और आधा गिलास ही लिया हुआ है। इसे हम पैन में डाल देंगे और बॉयल इसमें आने देंगे। चाय से अगर आपका पहले से ऑलरेडी बॉयल है तब भी आप इसमें बॉयल आने देंगे। और बॉयल आने के बाद ये लगभग देखिए इतनी सी हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसे भी अच्छी तरह से थोड़ी सी देर के लिए हम इसी दूध में पका लेंगे। कच्ची हल्दी हमें यूज़ नहीं करनी है, हमें इसी तरह से दूध में, बॉयल दूध में थोड़ी सी देर के लिए इसे पका लेना है। और इसके बाद अब हम गैस बंद कर लेंगे और दूध को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है। तो अभी मैंने गरम दूध ही ये गिलास में रख दिया है, थोड़ी देर रखने के बाद ये ठंडा हो गया है जितना मुझे पीना है। और इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच शहद, ये मैंने प्योर शहद हमारे घर का है तो उसी को ऐड किया है, और बाकी आप मार्केट से लेते हो तो देख लीजिएगा क्योंकि शहद में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। बस हमें और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, ड्रिंक हमारा बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसे पियेंगे। पीने का टाइम भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको अभी पीना है तभी पीना है, आप कभी भी इसे पी सकते हो, लेकिन बेटर रहता है अगर आप सुबह मॉर्निंग टाइम में इसे पीते हो तो। और इसको पीने के बाद फिर आपकी नेचुरली स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई करती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन किसी भी चीज़ को यूज़ करने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में सुनने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था हमारा ड्रिंक जिसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और साथ ही आप अंदर से स्ट्रांग बनोगे। तो इस ड्रिंक को यूज़ करने का तरीका भी मैं बता दूं, क्योंकि ये गर्म तकसीर का होता है इसलिए आपको रेगुलर इसे यूज़ नहीं करना है। हाँ, रेगुलर भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा फिर हो जाता है ना, कईयों को पिंपल्स की समस्या इससे हो जाती है, तो इसलिए आप एक दिन छोड़ के ये पी सकते हो। मतलब एक दिन आपने पी लिया इस तरह हल्दी वाला दूध और एक दिन आपने छोड़ दिया, और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे ना तो हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप खुद ही फील करोगे कि नहीं, वाकई हमारी स्किन ग्लो कर रही है। यार ट्राई करने में जाता ही क्या है, देख लीजिएगा कि हफ्ते में हो पाता है कि नहीं होता है। होता है तो फिर आप कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, मतलब रेगुलर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप महीना भर, मतलब जैसे एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ करते रहिए, फिर मंथ में जब आपकी, आपको लगेगा कि नहीं अब बहुत अच्छे से स्किन ग्लो हो चुकी है, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तकसीर का है और खासकर आजकल गर्मियों में तो मुश्किल हो जाती है। हाँ, सर्दियों में आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तब आप अपनी स्किन को कंटिन्यूसली ग्लोई बना सकते हो। और जैसे आप अभी भी एक दिन छोड़ के अगर इसको यूज़ करते हो तब भी ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन फिर रेगुलर यूज, मतलब ग्लो नहीं करेगी। आप एक मंथ में इस तरह से यूज़ कीजिए, एक स्किप कर लीजिए, एक फिर से गर्मियों की बात बता रही हूँ, और सर्दियों में आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो। तो यही था मेरी ग्लोइंग स्किन का भी राज, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।